नमस्कार, आप देख रहे थे बड़ी खबर मिली नरसिंहपुर से। एक शिक्षक को झांसा देकर अज्ञात आरोपी ने ट्रांसफर कर लिए शिक्षक के खाते से 49,800 रुपए। जब उनको मैंने घटनाक्रम बताया तो उन्होंने इस घटनाक्रम को पूरा उसकी डिटेल ले करके वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके जिन अकाउंटों पर मेरी राशि गई थी उस पर होल्ड लगाया और वहाँ से फिर रिप्लाई आया 7 से 10 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। वो पैसे मेरे खाते में वापस आ गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय और यहाँ पर एडिशनल अधीक्षक महोदय और साइबर सेल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, समय रहते यदि साइबर सेल आ जाए तो जो धोखाधड़ी होती है उससे लोगों को जो पैसा वगैरह जो जाता है वो वापस आ सकता है। क्या नाम है? अकबर कुरैशी। सर, ये जो घटनाक्रम है कैसा, क्या पूरा घटनाक्रम? ये हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई अकबर कुरैशी साहब की, इनके द्वारा कि इनके अकाउंट में से करीब 50,000 रुपये धोखाधड़ी करके निकाल लिए गए हैं। इनसे OTP मांगा गया, ज़्यादातर ऐसी जो गैंग्स हैं वो फ़ोन पर OTP या अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं आपकी कार्ड संबंधी या आपकी जन्मतिथि संबंधी वो मांगती हैं और किसी ना किसी प्रिटेक्स्ट पर, तो आप वो उसको दे देते हैं, उसमें ये राशि जो है वो धोखाधड़ी से ले ली जाती है। इस प्रकरण में ये जो कंप्लेनेंट है फरियादी हमारे पास आए, इन्होंने हमें शिकायत की कि ऐसे पैसे निकले हैं, तो हमारी साइबर टीम और हमारी पूरी टीम ने इसमें जुट कर काम किया और सफलतापूर्वक इनके पैसे जो है इनको वापस दिलवाए। सर, इस घटनाक्रम से आप शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे नरसिंहपुर जिले की जनता को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे धोखाधड़ी से बच कर रहें। पहला कार्य, कोई भी आपको बैंक संबंधी आपकी जानकारी या आपकी पर्सनल डिटेल अगर फ़ोन पर पूछता है तो कृपया कर उसे ना बताएं। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि ATM ब्लॉक हो गया आपका या कुछ ऐसा कोई बोलता है तो कृपया अपने बैंक ब्रांच जाके संबंधित अधिकारी से चर्चा करें। फ़ोन पर किसी भी तरीके से फ़ोन या ईमेल या व्हाट्सएप या फेसबुक पर कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी ना दें। यदि कोई ऐसा कार्य होता है कि आप जानकारी देते हैं और आपके अकाउंट में से राशि चली जाती है तो तत्काल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संपर्क करें और साइबर सेल से हम संपर्क करें और हम उस राशि की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसमें ब्लॉक लगवा कर वो राशि आपको वापस दिलाएं।